बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ शाहजहाँ। मैं आपको शाहजहाँ सिस्टर किचन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार टेस्टी यम्मी सा चीज़ी चिकन एग रोल पराठे की रेसिपी, जो बहुत मज़े के बहुत टेस्टी तैयार होती है। चलिए मैं अब आपको बताऊँगी कि चिकन चीज़ी एग रोल पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसे अच्छे से छान लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया कुटी हुई। ये मसाला जात मैंने अंडों में शामिल करने के लिए लिए है। 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं। 1 छोटे साइज की प्याज लेके मैंने बड़ी काट ली है। मौजला चीज़ मैंने हसबे ज़रूरत ली है। मायोनीज मैंने 1/2 कप ली है। चैटर चीज़ के मैंने हसबे ज़रूरत क्यूब्स लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने सिरका लिया वाइट। 2 टीस्पून मैंने दही लिया है। 250 ग्राम मैंने चिकन लिया, उसके छोटे पीसेस कर लिए हैं। हसबे ज़रूरत मैंने हरी प्याज लिया बड़ी कटी हुई। हसबे ज़रूरत मैंने बड़ी कटा हुआ धनिया लिया है। 1 टीस्पून मैंने हरा धनिया लिया कुटा हुआ। 2 टीस्पून मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। 1/2 टीस्पून में गरम मसाला लिया पिसा हुआ। 1 टीस्पून में लाल कुटी हुई मिर्च ली है। 1/2 टीस्पून में नमक लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून में लहसुन पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने अदरक पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है। ये मैंने चिकन में शामिल करने के लिए मसाला जात लिए हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि चिकन चीजी रोल पराठा में किस तरह तैयार। पहले आटा गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर लेंगे। ऑयल शामिल कर लेंगे। 2 टीस्पून मैंने ऑयल शामिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने शामिल करना है, एकदम नहीं करना है, इससे आटा पतला हो जाएगा। और इसकी आपने बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदना है। जितना सॉफ्ट आटा होगा उतना ही अच्छा पराठा तैयार होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारी रेसिपीज को लाइक और शेयर किया कीजिए। आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में बनाकर दे सकती हैं, लंच टाइम में भी आप बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी पराठे तैयार होते हैं। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे इसके ऊपर। आटा आपने बिल्कुल सॉफ्ट गूंदा है। जितना आटा सॉफ्ट होगा उतने पराठे अच्छे और मज़ेदार टेस्टी तैयार होंगे। 15 मिनट के लिए रेस्ट के रखूंगी। इतने 15 मिनट होते हैं, इतने हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट सिरका शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल कुटी मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरा पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टीस्पून ऑयल शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप मसाला जात तमाम चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अंडे भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। इतने हम सॉस तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाल कुटी मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काली मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्च शामिल करेंगे। कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस तैयार कर लिया हमने पराठे पे लगाने के लिए। चिकन भी मैरिनेट हो गया अच्छे से। अब इसको कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल शामिल करूँगी। 1 टीस्पून शामिल किया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को कोना शुरू हो गया है। फिर पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं, चिकन में अपना पानी होता है। चिकन के पानी में ही ये अच्छे से कुक हो जाता है चिकन। चिकन को अच्छे से कुक हो गया, मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडे तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध मैंने आपको बताना भूल गई थी, दूध भी शामिल होगा इसमें 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाल कुटी मिर्च शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काली मिर्च शामिल करूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्च पीसी भी शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धनिया शामिल करूंगी। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम पराठा तैयार करेंगे। आटा अच्छे से राइज हो गया है, अब हम इसके पराठे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़े बना के रख लेंगे इसी तरह। आप मेरी ये रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा, बहुत मज़े के बहुत टेस्टी पराठे तैयार होंगे। पेड़े बना लिए, अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोटी बनाएंगे। अब इस पे ऑयल लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल लगा लेंगे। अब ऑयल है तो ऑयल लगा ले, अगर घी है तो आप घी लगा ले। मैदा डस्ट कर लेंगे। इसको रोल बना लेंगे।
रोटी तैयार हो गई, अब इसे तवे पे डाल लेंगे। मैं तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। एक साइड से अच्छे से पक जाए फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज कर देंगे। पराठा अच्छे से कुक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो लगाएंगे। साइड पे भी लगा लेंगे ऑयल। तैयार हो गया, अब मैं आपको आगे की रेसिपी बताऊंगी। फिर सॉस लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैटर चीज डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोज़रेला चीज डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। पराठा अच्छे से रोल कर लिया, अब हम इसका अंडा फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंडा डालेंगे। अंडा अच्छे से कुक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे रोल कर लेंगे। रोल कर लेंगे अच्छे से। रोल कर लिया, अभी तैयार हो गया। मैं इसी तरह सारे तैयार कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह के तैयार हूँ। वीवा चिकन चीजी एग रोल पराठा तैयार है, मैं आपको इसे डिश आउट कर दिखाऊंगी। वीवा चीजी चिकन एग रोल पराठा तैयार है, ये देखिए कितना जबरदस्त तैयार हुआ है ये। अगर आपको चीजी चिकन एग रोल पराठा की रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।